लो क्लास थ्री मेंबर, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आप लोगों का आज जो है एक सरप्राइज टेस्ट होने जा रहा है। आपको एक सरप्राइज टेस्ट देना है, क्योंकि आपने जो रिवाइज कर रहे हैं, आप जो पढ़ाई किए हैं उनमें कहां तक आप कंप्लीट किए, कहां तक रिवाइज बढ़िया से कर लिए हैं, उसका एक छोटा सा टेस्ट आपको देना है। आपको पहले हम ये बता दें आपका सिलेबस कहाँ तक है, आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। आपका सिलेबस दे दिया गया है, फाइव लेसन तक दिया हुआ है सिलेबस आपका, लेसन फाइव तक जो सब्सट्रैक्शन और नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। लेसन फाइव तक दिया हुआ है और आपने जो पढ़ाई किया है कहाँ तक किया है, सबको मैचिंग कर लेते हैं आज हम, जो सिलेबस बचा हुआ तो नहीं है, नहीं हम लोग बहुत आगे निकल चुके थे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर भी हो गया था, सिक्स तक कंप्लीट कर लिए थे हम लोग, ठीक है, सिक्स तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज आपको एक सरप्राइज टेस्ट पहले देना है, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किस प्रकार की तैयारी करना है। तो सबसे पहले सोचे आपका जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इससे पहले हम एक सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं। आप अपना टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट रिवाइज क्लास हम चालू करेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट का क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको है राइट द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर। दूसरा क्वेश्चन है डैश कम्स जस्ट बिफोर नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है वन टू थ्री फोर कम्स जस्ट आफ्टर डैश। चौथा नंबर क्वेश्चन है सी द पैटर्न एंड राइट द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर, ठीक है। क्वेश्चन है आपको 4010 4006 डैश डैश, ठीक है। फाइव नंबर है राइट द नंबर फॉर्मेड बाय रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर एक नंबर में है इसका, ए में 1 2 3 4, बी में है 7809, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सपेंडेड फॉर्म। ए नंबर में इसका दिया हुआ है 2345 और बी नंबर में दिया हुआ है 7895,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लिखना है आप लोग को, 6 तक हुआ है। सेवन नंबर है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स जिसका कि ए नंबर दिया हुआ है, 1 आवर इज इक्वल टू 10 मिनट्स। बी नंबर दिया है, 1 लीप ईयर इक्वल टू 10 डेज। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट द आंसर इन रोमन नंबर। रोमन नंबर्स इसमें ए में दिया है 9 है, एक्सप्रेस इन वर्ड्स का ए नंबर है 67654, और बी नंबर है 88888। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द ब्लैंक्स। ए नंबर है 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। बी नंबर है 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन, और इसका सी नंबर है 1 लाख इक्वल टू 10,000। ये 10 क्वेश्चन है आपको, इच क्वेश्चन 2 मार्क्स है, ठीक है। एफएम हो गया आपका 20। आपको एक बार फिर से बता दे, ये जो नंबर आपका आएगा आपका टर्म एग्जाम में ये जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये जो टेस्ट ले रहे हैं ये आपका टर्म एग्जाम में जाके जुटेगा। ये 10 नंबर दिए हैं क्वेश्चन, इसको अच्छा से टेस्ट देके, इसको अच्छा से टेस्ट देके, ईमानदारी पूर्वक टेस्ट देके इसका मार्क्स को भेजना है। आप लोगों को भेजने में भी परेशानी है तो अपना ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में देख लेंगे हम, ग्रुप में डालिएगा तो ग्रुप में देख लेंगे, या नहीं तो जिसको मेरा अपना व्हाट्सएप नंबर है, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, वो व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। बाय द वे,
यदि आपको व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ऐसे ग्रुप से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, उस पर भेज सकते हैं। वैसे यदि आप नहीं निकाल पाते हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर देते हैं, ये ईमानदारी पूर्वक टेस्ट देके मेरे व्हाट्सएप पर इसका फोटो खींच के भेजना है। चलिए व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको इस टेस्ट का सारा फोटो मतलब बना के फोटो लेके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करना है, और अपना नाम भी लिख देना है, ऊपर पेज में नाम लिख देना है ताकि पता चलेगा कौन स्टूडेंट है। नाम लिख के उसको मार्क्स हम कितना आया है, ईमानदारी पूर्वक लेकिन टेस्ट देना, कोई चीटिंग नहीं, ईमानदारी से लेना है आपको। कितना मार्क्स आए बताएंगे हम आपको, व्हाट्सएप पर ही आपको हम भेज देंगे फिर उसका रिजल्ट। ओके थैंक यू। आज आपका क्लास को हम केवल टेस्ट के रूप में रहने दिए हैं, नेक्स्ट रोज से आपका क्लास से फिर आगे हम रिवाइज लेंगे। ओके थैंक यू।